हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक और एक क्वेश्चन तो क्या दिया है देखिए द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ फाल्गुनी लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन तो कंपनी का बैलेंस शीट आपको दिया है और एडजस्टमेंट्स दिए हुए और यहाँ पर आपको पूछा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबोव स्कीम एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन मतलब हमें यहाँ पे जनरल एंट्री कैपिटल रिडक्शन का लेजर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है ठीक है तो शुरू करते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जनरल एंट्री के लिए हमें ये सारे जो एडजस्टमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं राइट उसके हिसाब से एंट्रीज पास करनी है तो हम डायरेक्टली जनरल एंट्री के साथ साथ मैं आपको ये एक एक एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन करता जाऊंगा ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं फॉर्मेट ले लेता हूं जनरल एंट्री का यहां पर राइट इन द बुक्स ऑफ फाल्गुने लिमिटेड यहां पर डेट

तो पहला एडजस्टमेंट क्या हुआ बताया उन्होंने द प्रिफरेंस शेयर्स आर टू बी रेड्यूस टू फिफ्टी ईच एंड इक्विटी शेयर्स आर टू टू ईच मतलब उन्होंने कहा हमें प्रिफरेंस शेयर जो है आपके बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो प्रिफरेंस शेयर एक शेयर पहले हंड्रेड रुपीज़ का था अब उन्होंने उसको कहा रेड्यूस करके कितने पे ला देना है फिफ्टी पर सेम वे इक्विटी शेयर पहले टेन रुपीज़ का था अब उन्होंने कहा है रेड्यूस करके कितने पे लेकर आना है हमें टू रुपीज़ पर तो हम उसके हिसाब से जो है क्या करेंगे अभी एंट्री पास करेंगे ठीक है ना तो सबसे पहले प्रिफरेंस शेयर पुराने वाले जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो कितने प्रिफरेंस शेयर थे देखिए क्वेश्चन में फोर लाख रुपीज़ का प्रीफरेंस शेयर आपको कहाँ है जहाँ पर एक शेयर कितने का है हंड्रेड रुपीज़ का है इसका मतलब आपके कितने शेयर्स है फोर थाउजेंड प्रिफरेंस शेयर है टोटल आपके पास ठीक है ना तो उनको हंड्रेड रुपीज़ के हिसाब से जो थे उनको कैंसिल कर रहे हो और उसके जगह पर उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है अभी फिफ्टी और जो डिफरेंस फिफ्टी है वो आपका जाएगा कैपिटल रिडक्शन में तो मेरी एंट्री हो जाएगी सेवन परसेंट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू सेम सेवन परसेंट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल हम क्रेडिट कर रहे हैं और जो डिफरेंस है वो हमारा कहां जाने वाला है कैपिटल रिडक्शन में तो अब इसके अमाउंट कैसे होंगे तो आपके टोटल 4000 शेयर्स थे राइट तो 4000 थाउजेंड इंटू हंड्रेड जो हमारे पुराने बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया था शेयर का वो 100 के हिसाब से हम लोग उसको कैंसिल कर रहे हैं क्यों क्योंकि उन्होंने एडजस्टमेंट में बोला है उसको वैल्यू को रिड्यूस करके कितने पे ला दिया अभी 50 पर ला दिया है तो उसकी जो नई वैल्यू होगी नए प्रिफ्रेंस शेयर की वो हम लोग फोर थाउजेंड लेने वाले ठीक है थीके? तो यहाँ पर हम लोग फोर थाउजेंड लेंगे पुराने हमारे फोर लैख के शेयर्स उसको हमने रिड्यूस करके कितने पे ला दिया अभी फिफ्टी पर ला दिया है तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टू लैक्स और जो डिफरेंस आपका टू लैक्स का आ रहा है राइट वो फोर थाउजेंड शेयर इंटू फिफ्टी रुपीज़ का डिफरेंस आया ना वही राइट क्योंकि हंड्रेड का फिफ्टी हुआ है तो फिफ्टी रुपीज़ कम हुआ है वो हमारा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा तो उसका भी अमाउंट कितना हो जाएगा आपका टू लैक्स हम नरेशन में इस तरह से लिख देंगे रिडक्शन इन प्रिफरेंस शेयर कैपिटल सेम भी हमें करना इक्विटी शेयर के लिए तो इक्विटी शेयर पहले बैलेंस शीट में टेन रुपीज़ का था अब उन्होंने कहा रिड्यूस करके कितने पे ले आए हम टू पर तो यहाँ पर आपके कैपिटल रिडक्शन में कितना रुपीज जाएगा एट ठीक है अब यहाँ पे इक्विटी शेयर के आपके नंबर्स कितने थे तो आपको पहले ही बताया है वन लाख इक्विटी शेयर्स है ठीक है ना तो हमारी जनरल इंट्री लिखते समय हम लोग पहले पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे जो नए इक्विटी शेयर्स हमने दिए उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट और जो डिफरेंस हमारा जा रहा है वो हम कैपिटल रिडक्शन लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपका अमाउंट कैसे बनेगा टोटल एक लाख शेयर्स थे दस रुपए वाले पुराने राइट तो वन लाख शेयर इंटू टेन वो आ जाएगा आपका टेन लैक्स उसको भी रिड्यूस करके हम कितने पे ले आए हैं टू तो वन लैख इंटू टू आ जाएगा राइट तो वो टू लैक्स हो जाएगा और एट रुपीज का डिफरेंस है आपका राइट वो कैपिटल रिडक्शन में जा रहा है तो वन लाख शेयर इंटू एट हम कह सकते हैं एट लाख रुपीज़ आ गया ठीक है और यहाँ पे नरेशन में इसी तरह से लिख देंगे प्रिफरेंस शेयर की तरह यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग रिडक्शन इन रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हुआ हमारा उसके बाद सेकेंड में उन्होंने कहा है ऑफ द प्रिफरेंस डिविडेंड कि जो आपका प्रिफरेंस डिविडेंड उन्होंने बताया था चार साल का उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि इन अरियर्स जितना भी था आपका सेवेंटी फाइव परसेंट टू बी वेवड वेवड मतलब क्या हो गया माफ हो गया वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है तो जितना भी आपका प्रिफरेंस डिविडेंड था उसमें सेवेंटी फाइव परसेंट अमाउंट जो है वो आपकी माफ हो गई है एंड द रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश बोला है उन्होंने ठीक है तो हम लोगों को पता है कंसेप्ट की वीडियो में हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर की एक एक जनरल एंट्रीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा कंसेप्ट वीडियो का ठीक है तो अब यहाँ पे हमने वहाँ पर सीखा था कि प्रिफरेंस डिविडेंट हमारा एक तो कंटीजेंट लाइब्रिटी है अगर वो हमारा वेव ऑफ हो जाता है तो हमें उसके लिए कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर हमें पे करना पड़ता है तो हम उसको कहाँ से पे करेंगे कैपिटल रिडक्शन में से तो यहाँ पर हम कैपिटल रिडक्शन में से पे करेंगे तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक बट अमाउंट क्या होगा तो यहाँ पे देखिए पहले आपको वो कैलकुलेट करना होगा कि चार सालों का आपका प्रिफ्रेंस डिविडेंड का अमाउंट होता कितना है तो सब में देखिए प्रीफरेंस डिविडेंड के बारे में कैसे निकालेंगे अमाउंट उसका प्रीफरेंस शेयर थे आपके चार चार लाख रुपए ठीक है और टेन परसेंट बोला है उसके ऊपर डिविडेंड का तो चार चार लाख के ऊपर अगर आप टेन परसेंट निकालोगे तो वो अमाउंट आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड और एक साल का फोर्टी थाउजेंड है ऐसे आपके कितने साल का अमाउंट बाकी था डिविडेंड का फोर ईयर्स का यानी कि फोर्टी थाउजेंड इंटू फोर करेंगे तो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड आपका टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी था उन्होंने कहा अब इसके दो हिस्से हो रहे हैं सेवेंटी फाइव परसेंट जो है वो माफ़ हो रहा है एक लाख साठ हज़ार में से और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम लोगों को क्या करना है बोला है उन्होंने हमें पे करना है करके राइट तो अगर सेवेंटी फाइव परसेंट माफ़ हो रहा है मतलब ईजी बात है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट हमें पे करना है तो अगर आप टोटल जो चार साल का अमाउंट था वन सिक्सटी थाउजेंड उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालते हो तो वो अमाउंट आ जाएगा आपका फोर्टी थाउजेंड तो आपका यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन टू बैंक की जो एंट्री आएगी आपकी प्रिफरेंस डिविडेंड पे करने की वो फोर्टी थाउजेंड के लिए होगी और नरेशन में हम इस तरह से लिख देंगे ऑफ डिविडेंड पे जो माफ हो गया 75 उसकी कोई जनरल एंट्री आती नहीं है बट जितना हम पे कर रहे हैं उसकी एंट्री आएगी हम कैपिटल रिडक्शन में से उसको पे करेंगे ठीक है नेक्स्ट आपको कहा है थर्ड एंट्री में द डिबेंचर होल्डर्स टू मे टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम तो हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स है क्वेश्चन में देखेंगे आप 12% परसेंट डिबेंचर दिया हुआ है आपको सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड का तो वो डिबेंचर होल्डर्स जो है वो हमारा प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर कर रहे हैं कितने वैल्यू पर सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड पर राइट right? इससे उनका जो क्लेम है वो पार्ट सेटल हो जाएगा बचा हुआ जो पैसा रहेगा वो उन्होंने बोला एंड बैलेंस अमाउंट ड्यू टू इज कन्वर्टेड थर्टीन परसेंट डिबेंचर जो बचा हुआ पैसा है डिबेंचर होल्डर्स का उसके बदले हम उनको क्या दे रहे थर्टीन परसेंट डिबेंचर्स देंगे ऐसा का राइट तो बेसिकली हमें बताया पूरा जो डिबेंचर का अमाउंट है वो सेटल होने वाला है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि वो हमारा एसेट लेके जा रहे हैं राइट वो डिबेंचर को सेटल करने के लिए मैं उनको एसेट दे रहा हूँ और कुछ डिबेंचर्स दे रहा हूँ राइट लेकिन यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे एक बार देखिए क्वेश्चन में आपको प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना दिया था बैलेंस शीट में सिक्स लाख लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमारे डिबेंचर होल्डर हमारा वो प्लांट एंड मशीनरी कितने पे लेकर गए हैं सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड में लेके गए मतलब पचास हज़ार ज़्यादा पर हमारे एसेट की कीमत छः लाख ही है लेकिन वो छः लाख पचास पर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर हम एसेट को क्रेडिट छः लाख पचास से नहीं कर सकते क्यों हमारे बुक्स में उसकी कीमत ही छः लाख है तो हम यहाँ पे सिक्स लाख ही लिखेंगे बट वो जो फिफ्टी थाउजेंड एक्स्ट्रा है वो हमारा फ़ायदा है क्योंकि हमारे एसेट को वो ज़्यादा वैल्यू पर लेके जा रहे हैं तो जितना हमारा फ़ायदा हो रहा है वो हम कैपिटल रिडक्शन में शो करेंगे ठीक है और जो बैलेंस है वो हम लोगों को उन्होंने कहा है डिबेंचर्स देना है ना हमें उनको राइट तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हमने थर्टीन परसेंट डिबेंचर और जो प्लांट एंड मशीनरी का वो डिफरेंस था वो हमें किस में रिकॉर्ड करना है यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में तो अमाउंट की बात करें तो हमारा एट परसेंट डिपेंचर जो था क्वेश्चन में राइट सॉरी एट नहीं यहाँ पे ट्वेल्व आएगा दैर इज अ करेक्शन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ट्वेल्व परसेंट लेंगे एट नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना नहीं है ये खाली नाम के लिए एट परसेंट है तो उसका टोटल अमाउंट ले रहे हैं हम सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लान टाइम मशीनरी की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे कितने का लेके जा रहे हैं वो सिक्स लाख का बट वो हमें कितने पे लेके गए वो एसेट को सिक्स लाख फिफ्टी पर लेके गए तो इसका जो पचास हज़ार रुपया है वो हमारा फायदा हुआ है इसीलिए हम उसको कैपिटल रिडक्शन के नाम से दिखाएंगे ठीक है और वो करने के बाद सिक्स लाख ,00 और फिफ्टी थाउजेंड मतलब छः लाख पचास हज़ार हो गया बैलेंस कितना बचता है फिर एक लाख ,00 बचता है वो हमारा डिबेंचर जाएगा तो रिमेनिंग अमाउंट का हम उनको क्या दे रहे हैं डिबेंचर दे रहे हैं ठीक है मतलब हमने क्या किया हमारे डिबेंचर होल्डर्स को राइट हमने क्या किया नए डिबेंचर्स दिए और प्लांट दिया हुआ है बट वो प्लांट हमने सिक्स लैख फिफ्टी में दिया उनको तो हमने प्लांट को लिखा सिक्स लाख ,00 है और जो हमारा फिफ्टी थाउजेंड फायदा हुआ वो हमने कैपिटल रिडक्शन के नाम से दिखाया और जो जो डिफर बैलेंस अमाउंट बच जाता है उसका उन्होंने कहा हम लोग उनको थर्टीन परसेंट डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है थर्टीन परसेंट डिबेंचर लिखा है ठीक है ये एट परसेंट यहाँ पर मिस्टेक है यहाँ पे एट परसेंट नहीं लिखना है हमें क्या लिखना है ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर लिखना है ठीक है नरेशन में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बींग डिबेंचर होल्डर्स सेटल्ड अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है ऑल द इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स जो भी हमारे हैं उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए कहा है तो हम उसकी नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे तो हमारे एसेट्स अगर रिटर्न ऑफ हो रहे हैं मतलब हमें उन एसेट को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा तो मैं एक बार क्या uh, एसेट्स को ये कर देता हूँ राइट right? अच्छा हमारा एक एडजस्टमेंट मिस हो गया उसमें सॉरी पहले फोर्थ एडजस्टमेंट मिस हो गया हमारा वहाँ पे हमें कहा था बिल्स पेबल आर टू बी पेड ऑफ़ एंड क्रेडिटर्स एग्रीड टू वेव ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी थाउजेंड इसका मतलब क्या है यहाँ पे बिल्स पेएबल जो है वो आपको पे ऑफ करना है ठीक है बट अभी प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास फिलहाल तो कोई कैश है ही नहीं क्वेश्चन में राइट तो एक्चुअल में यहाँ पे इस समय अगर आप थोड़ा सा आगे जाके देखें तो वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है द कंपनी ऑप्टेंड अ सिक्योर्ड लोन ऑफ रुपीज़ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड कंपनी ने क्या लिया है एक लोन लिया है बैंक से यहाँ पर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट पर बाय मॉर्गेजिंग लैंड एंड बिल्डिंग उनका एसेट को गिरवी रख के उन्होंने लोन लिया क्यों लिया फॉर रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवर बिल्स पेएबल और रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस तो ये तीन खर्चों को पे करने के लिए बैंक ने लोन लिया है इसीलिए ये अमाउंट हम लोन लेने के एंट्री के बाद दिखाएंगे तो इसके लिए यहाँ पे मैं बिल्स पेबल फ़िलहाल पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लोन का एंट्री हम दिखाएंगे पहले कि हमारे पास पैसे आए फिर उन पैसों से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए मैं बिल्स पेबल का एंट्री नहीं दिखा रहा यहाँ पर और हम लोग डायरेक्टली क्रेडिटर्स पे आ जाएंगे और उन्होंने कहा है क्रेडिटर्स एग्रीड टू वेव ट्वेंटी थाउजेंड मतलब क्रेडिटर्स अपना बीस हजार माफ कर रहे हैं तो अगेन हमारा फायदा हो गया तो हम कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करेंगे उसमें तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितने अमाउंट के लिए ट्वेंटी नरेशन में आ जाएगा इस हिसाब से राइट क्रेडिटर्स एग्री टू वेव ऑफ देयर क्लेम्स उसके बाद आपको कहा है उन्होंने ऑल द इंटेंजिबल एंड फिफ्टीशियस एसेट्स टू बी रिटर्न ऑफ मतलब एसेट्स रिटर्न ऑफ कर रहे हैं मतलब एसेट हमेशा डेबिट में होते हैं अगर हम उनको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं यानी कैंसिल कर रहे हैं तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो है वो मैं एंट्री लिखता हूँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट राइट जो भी इंटेंजिबल एसेट में कौन से कौन से आएंगे यहाँ पे गुडविल पेटेंट फिर हमारे फिफ्टी एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस प्रिलिमिन्ररी एक्सपेंसेस राइट तो ये चार एसेट्स हमें लिखने हैं गुडविल पेटेंट प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट तो उनके उनके अमाउंट पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुडविल अमाउंट लिख देता हूँ उसकी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पेटेंट फिफ्टीन थाउजेंड है राइट right? फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है एट लैक्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपको दिया हुआ है नाइन्टी थाउजेंड ये चारों को मिलाएंगे तो टोटल अमाउंट आपको कैपिटल रिडक्शन में लिख देना है नाइन लैख थर्टी थाउजेंड ठीक है नरेशन में हम लिख देंगे बींग फिफ्टी रिटर्न ऑफ उसके बाद एडजस्टमेंट में नेक्स्ट क्या बोला है आपको द फॉलोइंग एसेट्स टू बी रीवैल्यूड एज फॉलोज तो आपको एसेट्स को रिवैल्यू करना है तो फर्नीचर की अगर हम बात करें तो हो सकता है कोई कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रहे हो कोई कोई एसेट की वैल्यू कम हो रहे हो हमें उसके हिसाब से एंट्री पास करनी है तो अगर मैं एक एक करके पहले चेक कर लेता हूँ कि कौन से कौन से एसेट के वैल्यू बढ़ रहे कौन से एसेट के वैल्यू कम हो रहे हैं फर्नीचर की बात करें तो पहले बैलेंस शीट में उधर दिया था थर्टी और यहाँ पर दिया है थर्टी मतलब वैल्यू कम हो गया कितने से पाँच हज़ार रुपये से कम हुआ है तो हमें वो पाँच हज़ार की एंट्री पास करनी है ठीक है तो एसेट फर्नीचर पाँच हज़ार से कम हो गया स्टॉक की बात करें तो पहले स्टॉक कितना था देखिए एटी थाउजेंड अभी कितना हो गया सिक्सटी थाउजेंड तो ये भी कम हो गया है कितने से ट्वेंटी थाउजेंड से राइट तो ट्वेंटी थाउजेंड पर मैं बाद में रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है अभी सिक्स लैख पहले कितना था सिक्स लैख फिफ्टी मतलब ये क्या हो गया अगेन फिफ्टी थाउजेंड कम हो गया डेटर्स की बात करें तो पहले डेटर्स देखिए बुक्स में कितना था आपका नाइन्टी यहाँ पे कितना हो गया सेवेंटी थाउजेंड मतलब ये भी क्या हो गया कम हो गया तो बेसिकली हमारे चारों एसेट्स के वैल्यू जो है वो क्या हो गए कम हो गए हैं तो हमें इसके लिए कॉमन एंट्री ही पास करेंगे हम राइट क्योंकि चारों एसेट के वैल्यू कम हो जा रहे हैं तो हमारा नुकसान है ये राइट तो इसके लिए हम यहाँ पे अगेन कैपिटल रिडक्शन क्या करेंगे डेबिट करेंगे टू वन बाय वन में एंट्री पास करता हूँ तो पहला हमारा फर्नीचर की बात करें तो यहाँ पे देखा हमने थर्टी फाइव का थर्टी हो गया मतलब पांच हजार कम हो गए बराबर उसके बाद स्टॉक की बात करें तो वहाँ पे पहले 80 था बाद में 60 हो गया मतलब बीस हज़ार कम हो गया उसके बाद हम लैंड की बात करें तो पहले छः लाख पचास हज़ार था अभी छः लाख हो गया मतलब फिफ्टी थाउजेंड कम हुआ और लास्ट में आपका एसेट था वहाँ पे डेटर्स तो पहले नाइन्टी था और अभी सेवेंटी हुआ मतलब अगेन ट्वेंटी कम हो गया तो यहाँ पर हम कहेंगे टोटल जो है इन सब का मिला के कितना आ रहा है नाइन्टी आपके कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू आपके एसेट्स का कम हो गया है तो नरेशन में हम उसी हिसाब से लिखेंगे क्लियर तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर सिक्स तक कंप्लीट हो जाता है इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर सेवन पर आते हैं जहाँ पे उन्होंने क्या बोला देखिए उन्होंने कहा कंपनी ऑप्टेंट अ सिक्योर्ड लोन कंपनी ने क्या किया है लोन लिया है बैंक से तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं राइट तो हमारे लिए पैसा आएगा हमारे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू हमारे लिए एक लाइबिलिटी जनरेट हुई है जिसका नाम क्या होगा यहाँ पे बैंक लोन कितना अमाउंट लिया हमने वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का लोन लिया हुआ है तो हमने लोन लिया तो पैसे आए हमारे पास तो उसकी एंट्री हम शो कर रहे हैं नरेशन में हम लिख देंगे बींग बैंक लोन टेकन अब उन्होंने आगे क्या बोला था कि ये लोन हमने लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्गेजिंग करके लिया हुआ है यानी कि गिरवी रख कर लिया है क्यू फॉर रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्स पेबल एंड रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसिस तो ये जो अभी पैसे आए हैं इन पैसों से मैं ये पेमेंट करूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट का बिल्स पेएबल का और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिस भी मुझे पे करना है बीस हज़ार रुपये के तो पहले मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे एंट्री में कंटिन्यू करेंगे हम तो और पहले हम क्या कर देंगे बैंक ओवर और बिल्स पेएबल को पे कर रहे हैं ठीक है तो एंट्री क्या बनेगी उसके लिए बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना कितना हमें पे करने के लिए कहा था तो आप क्वेश्चन में देखेंगे आप बिल्स पेएबल आपको बैंक ओवर ड्राफ्ट बैलेंस शीट में देखिए कितना दिया था आपको ट्वेंटी थाउजेंड सॉरी फिफ्टी थाउजेंड है उसके बाद बिल्स पेएबल आपको दिया था सिक्सटी थाउजेंड दोनों मिला के कि आपने कितना पे कर दिया वन लैक टेन थाउजेंड पे कर दिया तो यहां पे आ जाएगा टोटल अमाउंट बीइंग बैंक ओवर ड्राफ्ट एंड बिल्स पेबल पेड इसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आपको पे करने हैं राइट right? उसकी एंट्री क्या आएगी कैपिटल रिडक्शन से हमेशा पे होता है ये रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस तो एंट्री आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट ट्वेंटी थाउजेंड वो हमें दिया हुआ है डायरेक्टली कि रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिस आपके ट्वेंटी थाउजेंड है अब इसके बाद और एक एंट्री आने वाली है जो कि आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से आएगी ठीक है जो कि होगी कैपिटल रिडक्शन का जो हम बैलेंस राइट right? हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं उसका ठीक है अब इसके लिए मैं पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेता हूँ और इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग करेंगे हमारे जर्नल एंट्रीज़ के हिसाब से ठीक है तो हमने जो जर्नल एंट्रीज अब तक पास की है उसमें जहाँ जहाँ पर कैपिटल रिडक्शन का नाम आया उसके हिसाब से आप एंट्री पास करेंगे तो अगर हम बात करें पहले एंट्रीज़ की तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पहले एंट्री में देखिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट में मैं लिखता हूँ सेवन परसेंट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हुआ है अगेन तो उसके क्रेडिट में लिखूंगा मैं इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक है तो इस तरह से हमें एक एक एंट्री पास कर दी जानी है राइट तो यहाँ पर हम पहले एक सेवन परसेंट शेयर कैपिटल लिखेंगे फिर इक्विटी शेयर कैपिटल उसके बाद जनरल एंट्री में नेक्स्ट ने ने क्या है तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्शन डेबिट हुआ है तो मैं उसके डेबिट में क्या लिखूंगा बैंक फोर्टी थाउजेंड करके तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक फोर्टी थाउजेंड यहाँ पे डिबेंचर उस हिसाब से आपको एक एक एंट्री के हिसाब से जाना है और एंट्री के हिसाब से आप कैपिटल रिडक्शन के डेबिट या क्रेडिट में आ रहा है वो उस हिसाब से आप लिखेंगे ठीक है तो क्रेडिटर्स आ गया उसके बाद गुडविल देन पेटेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस प्रलिमिनरी एक्सपेंस फिर आपके एसेट्स थे जो वैल्यू कम हो गए थे हमने एंट्री पास की थी कैपिटल रिडक्शन टू या एसेट्स के नाम राइट तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में लिख रहे हम चारों एसेट्स के नाम ओके उसके बाद एक और एक एंट्री था आपका जिसमें आपका रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसिस आपने पे किया ट्वेंटी थाउजेंड उसमें रिकन्स्ट्रक्शन डेबिट हुआ है तो इसके लिए डेबिट आएगा कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में लिख रहे हैं हम अब जब हम टोटल करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का तो आपको यहाँ पे ऐसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है आपका टेन लैख एटी फाइव थाउजेंड जबकि क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंस कौन से साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पे बैलेंस फिफ्टीन थाउजेंड अब जनरली बैलेंस अगर डेबिट में आता है तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं बट यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे और हम उसको ट्रांसफर करेंगे गुडविल में ठीक है तो एंट्री पास करते समय भी मुझे याद रखना है कि नॉर्मली इधर बैलेंस आता है तो हम लिखते हैं कैपिटल रिडक्शन टू कैपि सॉरी कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व लेकिन यहाँ पे एंट्री उल्टा आएगा गुडविल टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा क्या आ जाएगा एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना अमाउंट के लिए फिफ्टी थाउजेंड और नरेशन में हम लोग लिख देंगे बींग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू गुडविल अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व लेकिन अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो इसके लिए हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं गुडविल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाकर हो गया अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट बैलेंस शीट पर तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में देखिए क्या होगा आपको पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखना है इन द बुक्स ऑफ फाल्गुनी लिमिटेड राइट बैलेंस शीट एंड रेड्यूस्ड क्योंकि आफ्टर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन हम बनाएंगे उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट और यहाँ पर नोट टू अकाउंट आपका बन गया अब सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का उस फॉर्मेट के हिसाब से पहले क्या आता है हमारा इक्विटी एंड लाइब्रेटी ओके इक्विटी एंड लाइब्रेटी के अंदर फर्स्ट हेडिंग आता है शेयर होल्डर फंड इसके अंदर दो हेडिंग आते हैं एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व तो शेयर कैपिटल का हम पहले नोट बनाएंगे क्योंकि शेयर कैपिटल के अंदर भी इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर ये सारी चीज़ें शो की जाती है तो उसको पहले नोट्स टू अकाउंट में फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले आपको अमाउंट फाइंड करना है फिर प्रिफरेंस शेयर फिर उसका टोटल जो आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे तो अभी पहले मैं जर्नल एंट्री जो हमने सारे बनाए थे हम उसकी मदद से ये अमाउंट फाइंड करेंगे अब किसी भी अमाउंट का इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रिफ्रेंस शेयर या कोई भी एसेट का वैल्यू या कोई भी लाइबिलिटी का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो हमने एक पहले ही फॉर्मूला देखा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में भी राइट जहाँ पे किसी भी बैलेंस शीट के एल, एलिमेंट्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर वो लाइबिलिटी है तो पहले बैलेंस शीट में से उसका अमाउंट लीजिए क्वेश्चन के बैलेंस शीट में से उसके बाद जर्नल एंट्री में अगर वो क्रेडिट हुआ है तो आप उसको प्लस करेंगे और अगर वो जनरल एंट्री में डेबिट हुआ है तो आप उसको माइनस करेंगे और वो करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो उस लाइबिलिटी की फाइनल अमाउंट होंगी फॉर बैलेंस शीट सेम वे एसेट के लिए पहले बैलेंस शीट में से उस एसेट के वैल्यू का अमाउंट लीजिए उसके बाद अगर वो डेबिट हुआ है तो वो प्लस होगा और अगर वो क्रेडिट हुआ है तो वो माइनस होगा और ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो उस एसेट का वैल्यू रहेगा जो आप यहाँ पे लिखेंगे ठीक है तो इसके लिए अभी आपको क्या करना है पहले जनरल एंट्री पर जाना है पहले हम क्वेश्चन में देखें अगर तो इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो हमें क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया था देखिए ज़रा क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी मैं आपके लिए यहाँ पे ले लेता हूँ चाहिए तो तो वैल्यू निकालने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे जनरल एंट्री और क्वेश्चन ले लेता हूँ तो आप देखेंगे सबसे पहले मैंने जैसे कि कहा लाइबिलिटी का वैल्यू निकालने के लिए पहले आप बैलेंस शीट में से उसका अमाउंट लीजिए तो इक्विटी शेयर का अमाउंट यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है टेन लैक्स ठीक है टेन लैक्स के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ दिया हुआ है देखो तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है टेन लाख डेबिट हुआ है मतलब क्या करना पड़ेगा लाइबिलिटी माइनस तो टेन लाख माइनस टेन लाख जीरो हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्रेडिट हुआ है टू लैक्स तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है थिके? उसके अलावा और कहीं पर इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या क्वेश्चन में हमारे और किधर हमारे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर नहीं है मतलब हमारे इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना आ जाएगा टू लैक्स आ जाएगा कितना आ जाएगा टू लैक्स तो हम यहाँ पर इक्विटी में क्या करेंगे अमाउंट लिख देंगे वन लाख शेयर्स इं टू रुपीज़ तो टू लैक्स आ गया सेम भी हम प्रीफरेंस शेयर का अमाउंट निकालेंगे तो प्रीफरेंस शेयर के लिए देखिए बैलेंस शीट में प्रीफरेंस शेयर कितना दिया था आपको फोर लाख रुपीज़ फोर लैख के बाद उन्होंने यहाँ पे जर्नल एंट्री में क्या किया देखो फोर लाख का डेबिट कर दिया मतलब ज़ीरो हो गया उसके बाद यहाँ पे टू लाख क्या क्रेडिट हुआ है मतलब ये टू लैक्स आए इसके अलावा और कहीं पर प्रिफ्रेंस शेयर्स नहीं थे तो आपके प्रिफरेंस शेयर के अमाउंट कितने हैं बेसिकली टू लैक्स है ठीक है तो यहाँ पर आ जाते हैं हम और प्रीफरेंस शेयर लिखते हैं टोटल अमाउंट टू लैक्स लिख देते हैं फिर आप चाहे तो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से निकाल सकते हो एक शेयर पचास रुपये का है तो टू लैक्स डिवाइड बाई फिफ्टी करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ प्रीफरेंस शेयर कितने हो पता चल जाएगा ठीक है उसके बाद ये दोनों का टोटल करते हैं तो हमें शेयर कैपिटल का वैल्यू मिल जाता है फोर लैक्स उसके बाद सेकेंड हेडिंग आता है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस अब इस क्वेश्चन के अंदर रिजर्वस नहीं है जनरली हमारे सारे चैप्टर में इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के सम्स में हमने देखा कि एक नया रिजर्व आता था कैपिटल रिजर्व और वो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते थे लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो हमें कैपिटल रिजर्व मिला ही नहीं है इनफैक्ट हमारे कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र हुआ था गुडविल में तो इसीलिए यहाँ पर कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है तो हम ले लिखते हैं ठीक है थीके? उसके बाद आ जाता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज उसमें हम लोग लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ठीक है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है आपका लोन राइट बैंक लोन लिया रहेगा आपने तो वो अमाउंट आपके किधर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाते हैं अब उसके हम लोग यहाँ पे नोट बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक से क्या है ज़्यादा ना आइटम्स हो सकते हैं तो इसीलिए लैंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में पहले हम लोग ले रहे हैं थर्टीन परसेंट डिबेंचर्स तो हमारे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमने देखा कि ऑलरेडी हमको ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर दिया था राइट बट यहाँ पर जनरल एंट्री में हमने देखिए ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर कैंसिल कर दिया है यहाँ पर मैंने एट लिखा है यहाँ पर ट्वेल्व आएगा तो जो पुराने सेवन लैख फिफ्टी के डिबेंचर्स थे वो तो वैसे ही कैंसिल हो गए तो वो तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते ठीक है तभी एक ही डिबेंचर है नया जो हमने एक लाख का इशू किया था थर्टीन परसेंट डिबेंचर वो एक ही है तो और कहीं पर भी हमें डिबेंचर दिया नहीं है मतलब हमारे डिबेंचर का वैल्यू कितना रहने वाला है वन लाख लगेगा उसके अलावा हमने बैंक से लोन लिया था राइट जनरल एंट्री में देखिए हमारे बैलेंस शीट में तो पहले से कोई लोन का जिक्र नहीं था लेकिन हमने बैंक से अभी लोन लिया है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का तो उसकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन ठीक है ना उस एंट्री के बाद आपको उसकी एंट्री करनी है अब अमाउंट आपको लिखना है लोन का दैट इज़ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो आपका टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग हो जाएगा टू लैख फिफ्टी और इसको यहाँ पे ले लेंगे हम टू लाख फिफ्टी थाउजेंड पर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद आ जाता है आपका करंट लाइब्रिटीज़ उसमें पहला एडिंग आता है आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो हमें नहीं दिया हुआ है हमें नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रेड पेएबल्स उसमें आता है हमारा क्रेडिटर्स तो इस क्वेश्चन में हमारा क्रेडिटर्स करके एक ही एलिमेंट है बट उसके बारे में कोई और एडजस्टमेंट्स नहीं है तो हम पहले बैलेंस शीट में देखते हैं क्रेडिटर्स पहले कितना दिया था वन लैख फोर्टी थाउजेंड ठीक है ना उसके बाद जनरल एंट्री में अगर हम देखें तो हमने देखा था ट्वेंटी थाउजेंड का क्रेडिटर्स वेव ऑफ हो गया था तो उतना बीस हज़ार रुपया कम हो जाएगा बाकी का अमाउंट एज इट इज़ रहेगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स में कितना अमाउंट वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट आपका और कोई एलिमेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं है तो मैं इतने ही एलिमेंट्स का टोटल ले लेता हूँ तो मेरा बैलेंस शीट जो है इक्विटी एंड लाइबिलिटी वो यहाँ पर टैली हो जाएगा एट सेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड अब इसके बाद हमें आ जाना है नेक्स्ट पार्ट यानी कि एसेट्स में एसेट्स में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स तो उसमें आपको पहले लेना है फिक्स्ड एसेट्स इसका भी हम नोट बनाएंगे राइट right? तो टेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स आपको फिक्स एसेट में लिखना है तो टेंजिबल एसेट्स का नोट ले रहे हैं हम नोट नंबर थ्री तो वहाँ पर फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट में क्या क्या है हमारे बैलेंस शीट के हिसाब से हमें लैंड एंड बिल्डिंग दिया था राइट बट हम लोग क्या करें लैंड एंड बिल्डिंग का जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया हुआ है ना नया वाला वो हम कंसिडर करेंगे सिक्स लैख ,00 उसके बाद फर्नीचर थर्टी थाउजेंड दोनों का टोटल का रे टोटल कितना हो गया सिक्स लैख थर्टी थाउजेंड तो हम लोग यहाँ पे टेंजिबल एसेट में लिख देते हैं सिक्स लैख थर्टी थाउजेंड उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा तो हमने यहाँ पे सब में देखा कि हमारा एक कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस आया था और हमने उसको गुडविल में ट्रांसफ़र किया था राइट तो वही अमाउंट हमारा जो है इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड उसके बाद करंट एसेट्स की बात करें तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा पहला इन्वेंटरीज यानी स्टॉक अब उसमें हम लोगों को कितने का आ रहा है अमाउंट सिक्सटी थाउजेंड नया वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है स्टॉक का उसके बाद ट्रेड रिशेबल्स यानी कि आपके डेटर्स कितना अमाउंट आ जाएगा सिक्सटी फाइव थाउजेंड ओके उसके बाद उन्होंने आपको टोटल करना है तो आपके ये दो करंट एसेट्स का टोटल कितना आ जाएगा सॉरी ये सारे आपके जो एसेट्स का टोटल करें हम तो वो कितने पर टैली हो जाएगा आपका बैलेंस शीट सेवन पर टैली हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो समय वो कम्प्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करें और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें थैंक यू